हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आइए डिस्कस कर लेते हैं आज की न्यूज़। आज है 15 दिसंबर। सो देखते हैं कौन सी न्यूज़ हमें डिस्कस करनी है। देखिए एग्जिट पोल आ गए हैं, एग्जिट पोल गुजरात और हिमाचल प्रदेश दोनों के, क्योंकि कल गुजरात के लास्ट फेज का लास्ट इलेक्शन था तो उसके बाद ये एग्जिट पोल आए। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि ये कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये देखिए एग्जिट पोल होता क्या है। देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक एग्जिट पोल होता है, एक ओपिनियन पोल होता है। ओपिनियन पोल होता है वो इलेक्शन से पहले लिया जाता है, ठीक है ना, लोगों की राय ली जाती है तो उसके बेसिस पे एनालिसिस की जाती है और उसमें पता लगाया जाता है कि कौन किस लेवल पे है, ठीक है ना, कौन किस कितना वोट पा सकता है। लेकिन एग्जिट पोल जो होता है ये जब लोग वोट दे चुके होते हैं तब उनसे पूछा जाता है कि आपने किसको वोट दिया, उसकी बेसिस पे कुछ सैंपल लेके ये एग्जिट पोल तैयार किया जाता है, ठीक है। तो फिलहाल ये जो एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि बीजेपी गुजरात में आ रही है और हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी की जीत होने वाली है, ठीक है। तो इसमें हमें बस ये एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल थोड़ा सा डिफरेंस आप याद रखें, राइट। और ये अगली जो न्यूज़ है, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ग्रीन सिग्नल दे दिया है 12 स्पेशल कोर्ट को बनाने के लिए, ठीक है। तो ये जो 12 स्पेशल कोर्ट होंगे, जो भी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो उन पे जो केसेस चल रहे हैं उनको 1 साल के अंदर इसमें सॉल्व कर लिया जाएगा, राइट। तो इसका बस ये एक तरीके से फास्ट ट्रैक कोर्ट है, तो विद इन 1 ईयर इसके सारे जो क्रिमिनल केसेस उन पे चल रहे हैं उनको इसमें सॉल्व करने की बात की गई है। देखिए तो 1581 केसेस हैं अभी हमारे जो MPs और MLAs पे हैं क्रिमिनल केसेस, ठीक है ना। तो ये जो कोर्ट बनाया जाना है, देखिए इसमें 7.8 करोड़ की फंडिंग हुई है और इसका जो ऑपरेशन है वो कह रहे हैं कि 1 मार्च 2018 तक शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो पेटिशनर जो थे उन्होंने आखिर एक क्वेश्चन रेज किया है कि क्या ये 1581 जो केसेस हैं ये 1 साल में किए जा सकते हैं, मतलब 12 जो सिर्फ 12 बना रहे हैं आप, तो क्या 12 कोर्ट एनफ होंगे इनको सॉल्व करने के लिए। तो इन्होंने कहा कि अभी तो शुरुआत है, इसको शुरू हो जाने दीजिए, फिर ज़रूरत पड़ने पर फिर देखा जाएगा। और इसके अलावा इन्होंने जो फंडिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन रेज किए कि ये फंडिंग भी इनफ नहीं है, ठीक है। तो इसमें रिप्लाई में यही भी लाइन है कि अभी फिलहाल शुरू होने दीजिए, फिर उसके बाद आगे ज़रूरत पड़ने पे फिर इसको एक्सटेंड किया जाएगा, राइट। तो ये देखिए इन्होंने कहा है, दीज 12 कोर्ट्स आर नॉट द एंड ऑफ इट, लेट दिस कोर्ट स्टार्ट, इट्स इजी टू फाइंड फॉल्ट बट डिफिकल्ट टू स्टार्ट समथिंग, ठीक है ना। इन्होंने कहा कि पहले शुरुआत तो होने दीजिए क्योंकि किसी भी चीज़ की शुरुआत ही मुश्किल होती है। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है एक तरीके से, क्योंकि एक देखिए एथिक्स में भी हमारा आप ARC की जो रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उसमें एक सब पार्ट उसका है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है ना। तो उसमें ये उसी से रिलेटेड ये केस है। तो एथिक्स का एक तरीके से हम यहाँ पे इसको अच्छे से यहाँ पे क्रिमिनलाइजेशन के लिए मतलब ख़त्म करने के लिए एक अच्छा स्टेप लिया गया। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये एथिक्स में ये चीज़ें यूज़ हो सकती है हमारे, ठीक है ना, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स में। तो एक तरीके से ये डिक्रिमिनलाइजेशन का काम करेगा ये प्रोसेस, ठीक है। और अगली न्यूज़ देख लेते हैं। देखिए हाँ, आधार से भी रिलेटेड कल हियरिंग हुई थी, तो उसमें क्या किया गया है, उसमें जो आधार की जो वैलिडिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको तो अभी जनवरी 17 को डिसाइड करने की बात हुई है, लेकिन आज ये आज 10:30 बजे ये डिसीज़न आएगा, ये जो डेट जो एक्सटेंड हुई है उससे रिलेटेड आर्डर आ जाएगा, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट आज ऑर्डर पास करेगा, ये जो भी फ़ोन की लिंकिंग और इसके अलावा आधार फोन की लिंकिंग, तो इसकी डेट कितनी है, इसकी 6 फरवरी थी ना, 6 फरवरी थी, तो इसको भी 31 मार्च अप कर दिया गया, तो इससे रिलेटेड आर्डर आज पास होगा। बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की बात हो रही थी आधार कार्ड की, वो उसकी हियरिंग 17 जनवरी से शुरू होगी, ठीक है ना। तो ये इसके अलावा ये देखिए पाकिस्तान ने वीज़ा देने की बात की है कुलभूषण जाधव को, तो उनकी फैमिली को वीज़ा के लिए डायरेक्ट किया गया है, ठीक है ना। तो और इसमें जो इंडियन ऑफिशियल होंगे वहाँ की एम्बेसी में पाकिस्तान में, तो वो भी उनके साथ जा सकेंगे, ठीक है। ये जो डेट है विजिट करने की वो है 25th ऑफ दिसंबर, राइट। ये जो केस है ये काफ़ी सुर्खियों में था 2-3 साल पहले, 2014 में। इसमें ये हुआ था कि 11,000 करोड़ रुपये टैक्स की डिमांड की गई थी वोडाफोन से, राइट। और इसमें फिर बाद में इन्होंने देने से मना कर दिया था, तो इसको एक रिट्रो मतलब इसमें एक संशोधन किया गया था एक, और उसमें ये कहा गया था कि उन ये जो टैक्स था वो उनको मतलब पिछली डेट से
एक तरीके से इनको दे रहा था, ठीक है। तो उसमें देखिए एक सुनवाई तो यहाँ पे चल रही थी, लेकिन इसके अलावा इसकी सुनवाई एक BIPA जो है, ये बाइलेटरल इन्वेस्टिगेशन प्रोटेक्शन एग्रीमेंट के थ्रू नीदरलैंड में भी चल रही थी, ठीक है ना। तो एक आर्बिट्रेशन, यही कह रहे कि 2014 में ये इनिशिएटेड आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग अंडर द इंडिया नीदरलैंड बायलेटरल इन्वेस्टमेंट बीपा के थ्रू ये हो रही थी, ठीक है ना। तो यही इसमें फिर से सुप्रीम कोर्ट ने सेकेंड इस हियरिंग के लिए एक तरीके से राजी हो गया इसमें, राइट। और ये देखिए ये जो मसला है, BSP के एक कारपोरेटर ने उर्दू में ओथ ली तो उनको बुक कर दिया गया। तो इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये देखिए, ओथ जो होती है, ओथ आप हमारी शेड्यूल 8 में 22 लैंग्वेज है तो आप किसी लैंग्वेज में ले सकते हैं, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा अक्सर साउथ के लोग तमिल में या तेलुगु में लेते हो, तो और इसके तो आप मतलब 22 लैंग्वेज में किसी भी लैंग्वेज को आप चूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और एक और चीज़ ये है कि हमारे पास शेड्यूल 3 है, शेड्यूल 3 में ओथ एंड अफर्मेशन से रिलेटेड सारे प्रोविज़न दिए गए, ठीक है ना। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि शेड्यूल 3 जो है उसमें कौन कौन लोगों के लिए ओथ एंड अफर्मेशन का प्रोविज़न है, ठीक है ना। तो उसमें पूरी लिस्ट दी हुई है आप लोगों को, वो उसमें देखेंगे आप एक बार तो आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है, कि कौन कौन से लोगों को उसमें कैसे लेना है। क्योंकि एक क्वेश्चन कभी आया था उसमें लिखा हुआ था कि जैसे ओथ जो होती है ना, ओथ में भी थोड़ी सी अलग अलग वैरायटी होती है, ठीक है ना, अलग अलग तरीके से ली जाती है। कोई ओथ ऑफ सेक्रेसी लेता है, तो इसके अलावा भी कुछ वैरायटीज़ है, तो उसमें आप थोड़े से डिटेल्स आप देख सकते हैं उसमें वहाँ पर, ठीक है। शेड्यूल 3 की बात कर रहा हूँ मैं। और ये देखिए कैश क्वायर का एक रैकेट का वो किया गया है और पकड़ा गया है, और इसमें देखिए 50 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करने की बात की गई है। तो ये जैसे बिटकॉइन का भी बूम चल रहा था ना, उसी बेसिस पे ये कैश क्वायर के नाम से लोगों को उसमें इन्वेस्ट करने के लिए कह रहे थे, ठीक है, 10% इंटरेस्ट देने की बात कर रहे थे। तो ये एक तरीके से ये गैंग को इसका पर्दाफाश हुआ है, राइट। अगली न्यूज़ इस पे कुछ है नहीं हमारे लिए। और ये देखिए बुलवाम अटैक हुआ है, मतलब ये कह रहे हैं पंजाब ने फार्मर को वार किया गया बुलवाम अटैक के लिए, और ये कह रहे हैं कि अगर जो आपकी मतलब कॉटन अगर आप वो कर रहे हैं शो कर रहे, तो उसमें वीट को अवॉइड कीजिए, राइट। ये देखिए एक न्यूज़ थी, इसमें अमरनाथ जो को साइलेंस जोन डिक्लेयर किया था NGT ने, अब उसको थोड़ा सा क्लैरिफाई किया। उन्होंने कहा है कि उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि डिवोटी साइलेंस मैटर करे शिवलिंग जो है उसके सामने, राइट। तो पहले ये समझा जा रहा था कि पूरे एंटायर अमरनाथ के लिए है, लेकिन ये ऐसा उन्होंने कहा है कि नहीं है। और ये देखिए हरियाणा गवर्नमेंट ने फ्री सैनिटरी नैपकिन BPL जो वुमेन है उनको देने का फैसला किया है, ठीक है। तो उनको फ्री सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा ये देखिए BJD की, हमने कई दिनों से न्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं महानदी और पुलावरम का, ये कह रहे हैं कि अब इशू ये BJD जो है ये पार्लियामेंट में भी उठाएगी। तो महानदी हम लोग तो कई बार डिस्कस कर चुके हैं, इसकी ट्रिब्यूटरीज भी देख चुके हैं। पुलावरम आज देखते हैं, पुलावरम की लोकेशन देखते हैं, पुलावरम प्रोजेक्ट है कहाँ पे। देखिए ये है पुलावरम, ठीक है ना, पुलावरम ये है आपका छत्तीसगढ़, ये है आपका उड़ीसा, और ये है, ये देखिए ये है गोदावरी रिवर, ये गोदावरी रिवर पे ही है, ठीक है ना, और यह है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में ही है ये, और चूंकि लेकिन इसका जो एरिया है ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को भी एक तरीके से, चूंकि ये मल्टी इरिगेशन प्रोजेक्ट है ना, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है ना ये, तो ये इसका जो एरिया है ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ को भी ये कवर करता है, राइट। तो आपने पुलावरम देखा, और बढ़ते हैं आगे, और अगली न्यूज़ जो हमारी होगी ये सारे ऐड और इसको स्किप करते हुए, हाँ देखिए एट नक्स लाइट को मारा गया है, लेकिन इसमें जो राइटिस्ट लोग हैं मतलब ह्यूमन राइट एक्टिविटीज वगैरह, इन्होंने कहा है कि ये फेक इनकाउंटर है, ठीक है। इन्होंने जुडिशियल प्रोब की इसमें डिमांड की है, और इस पर कुछ है नहीं। हाँ ये देखिए लिकर बैन जो चल रहा था वहाँ पे बिहार में, तो उसमें एक चीज़ जो इसमें क्वेश्चन रेस किया गया, इवन लीडर ऑफ अपोजिशन जो है तेजस्वी यादव, उन्होंने कहा है कि एक तरीके से ये लोगों की काले धंधे का एक बहुत बड़ा वो स्रोत बनता जा रहा है, ठीक है। क्योंकि इसमें देखिए इलीगल ट्रेड अब हो रहा है लीकर का, और ये कह रहे हैं कि ये बहुत ही लिक्रेटिव बिजनेस बनता जा रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो बैन तो है, लेकिन ये एक तरीके से अब चूंकि ब्लैक में इसकी ब्लैक मेल इसका हो रहा है, तो ब्लैक से यूज़ करके इसको कुछ लोग और ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं इसके थ्रू, राइट। और
ये न्यूज़ देखिए हमने डिस्कस की थी, एक पारसी वुमन थी और इन्होंने एक हिंदू से शादी की थी और स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू, लेकिन जब बाद में उनकी मतलब डेथ के बाद इनको एक, जैसे इनके वहाँ पारसीज में जगह होती है और मर जाने के बाद टावर ऑफ साइलेंस, तो प्रे के लिए, लेकिन इनको वहाँ पे जाने से मना कर दिया गया था, ठीक है, उनकी मतलब इनकी डेथ, इनके पेरेंट्स जो थे, इनके पेरेंट्स तो पारसी थे लेकिन इन्होंने हिंदू से शादी की थी, तो इनके पेरेंट्स के मरने के बाद इनको वहाँ पे टावर ऑफ साइलेंस पे जाने से मना कर दिया गया था, सिर्फ इस बात से क्योंकि इन्होंने हिंदू से शादी की थी। तो इसी में ये जजमेंट आया था कि उस वुमेन को अलाउ कर दिया गया। उन्होंने कहा है कि जजमेंट में ये कहा गया है कि शादी करने के बाद पर्सनल आइडेंटिटी जो होती है वो इंसान की चेंज नहीं हो जाती, और जो वाइफ होती है, विमेन जो होती है, वो किसी की मॉर्टगेज नहीं होती है, ठीक है। तो यही इन्होंने कहा है कि देखिए, चीफ जस्टिस ने ऑब्जर्व दैट वुमेन डज नॉट मॉर्टगेज हरसेल्फ टू अ मैन बाई मैरिंग हिम एंड दैट शी रिटेन्स हर आइडेंटिटी, तो उसकी आइडेंटिटी जो होती है वो रिटेन होती है, मतलब जैसी रहती है, मतलब चेंज नहीं होती, ठीक है, इंक्लूडिंग हर रिलीजियस आइडेंटिटी इवन आफ्टर शी एक्सेस हर राइट टू मैरी आउटसाइड द कम्युनिटी अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट। मतलब किसी और धर्म से के लोग से शादी करती है तो उसकी जो आइडेंटिटी होती है वो अपनी आइडेंटिटी को रिटेन कर सकती है, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि वो मज़हब को चेंज ही करे, वो हिंदू रहते हुए भी, ओ सॉरी, पारसी रहते हुए भी वो हिंदू से शादी कर सकती है, राइट। तो यही था इसमें। तो ये कह रहे कि ये ज़्यादा, ये मसला ये था, कोर्ट सेड दैट द लार्जर क्वेश्चन ऑफ लॉ रिगार्डिंग द रिलीजियस आइडेंटिटी ऑफ द पारसी वुमन एंड हर राइट टू मैरी आउटसाइड द रिलीजियस अमंग द अदर इशूज वुड रिमेन ओपन एंड डिड विल द नेक्स्ट हियरिंग शेड्यूल फॉर द थर्ड वीक ऑफ। देखिए इसमें जो ये कह रहे हैं कि इसमें जो रिलीजियस आइडेंटिटी का मसला है उसकी अभी हियरिंग बाकी है, तो उसमें कह रहे कि वो अब थर्ड वीक ऑफ जनवरी होगी, राइट। लेकिन उनको मतलब इसमें केस में अलाउ कर दिया गया है टावर ऑफ साइलेंस को विजिट करने के लिए, और ये सारे एडिटोरियल थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, राइट। और देखिए कलावेरी को कल इंडक्ट किया गया है इंडियन नेवी में, तो पीएम ने कल वहाँ पे मौजूद थे और डिफेंस मिनिस्टर भी थी, तो फर्स्ट ऑफ 6 स्कॉर्पियो क्लास डीजल इलेक्ट्रिक वेसल कमीशन, ठीक है ना। तो ये 6 जो स्कॉर्पियो क्लास है उसमें से पहली जो है इसको कमीशन किया गया है, राइट। और ये कह रही है कि दिस इज नेवीज फर्स्ट मॉडर्न कन्वेंशनल सबमरीन इन ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स, ठीक है। तो ये कह रही है कि फर्स्ट मॉडर्न ये कन्वेंशनल सबमरीन है, और इससे पहले जो थी वो 2000 में इंडक्ट की गई थी, वो थी INS सिद्धू शास्त्रा, ठीक है। तो ये रशिया से प्रोक्योर की गई थी, राइट। तो आप इतना याद रख सकते हैं। और ये देखिए इस दूसरी जो है ये खंडेरी है, ठीक है ना। द सेकेंड ऑफ द स्कॉर्पियो खंडेरी वॉज लॉन्च इन जनवरी 2017, ठीक है। तो ये सी ट्रायल अभी इसका हो रहा है, और जो तीसरी है वो इसकी करंज है। तो एक चीज़ आप याद रखें, देखिए जब क्लास सेम होता है तो देखिए ये क्लास जो है ये आपका क्लावेरी और ये खंडेरी और ये करंज, तो इनका नाम जो होता है वो जो अल्फाबेट जो शुरू होता है वो सेम होता है, ठीक है ना। तो इसमें आप देखेंगे के कॉमन है इसमें खंडेरी क्लावेरी और करंज में, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा याद आप रख सकते हैं, राइट। और ये गुजरात का इलेक्शन फाइनली ख़त्म हो गया, तो ये पेज भी कल से नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्शन से रिलेटेड एक पेज आ रहा था। ये देखिए थेरेसा को बहुत बड़ा झटका लगा है, थेरेसा में देखिए ब्रेक्जिट से रिलेटेड वहाँ पे जब बिल जो उन्होंने पेश किया था पार्लियामेंट में वो उसमें वो पास नहीं हो पाया, या उनको उनके जो नंबर थे वो कम थे, ठीक है ना। 309 थे अपोजिट के और इनके 305 थे, ठीक है। द अमेंडमेंट पास्ड विद 39 MP सपोर्टिंग द मोशन एंड 35 अपोजिंग, राइट। इसमें हुआ यूँ है कि इनकी जो पार्टी के भी कुछ रेबल मेंबर थे उन्होंने इनका साथ नहीं दिया, ठीक है ना। रेबल अलाइड विद द लेबर पार्टी, तो उन्होंने लेबर पार्टी का साथ दिया जिसकी वजह से ये बिल डिफीट हो गया। लेकिन उन्होंने कहा है कि थेरेसा ने कहा है कि इसके बावजूद भी हम इस पर काम करेंगे, और मतलब इस प्रोविज़न जो है मतलब चेंज नहीं होगा, ब्रेक्जिट का प्रोविज़न वो ऐसे ही आगे बढ़ेगा, ठीक है। इसके अलावा ये ट्रंप को बहुत बड़ा झटका इनको भी लगा है, ये अलबामा में इन्होंने हालांकि प्रचार भी किया था वहाँ पे, और उसके बावजूद इनकी पार्टी वहाँ पे हार गई है, ठीक है। तो अब ये करें 25 साल में पहली बार हुआ है कि ये इनकी जो पार्टी है वहाँ पे उनको हार का सामना देखना पड़ा है, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक वहाँ पे जीती है, ठीक है। और आफ्टर स्टनिंग डेमोक्रेटिक विक्ट्रीज अमेरिकाज डीपली कंजर्वेटिव साउथ थ्रू, तो ये जो कंजर्वेटिव थी इनकी पार्टी वहाँ पे हार गई। और अगली न्यूज़ जो है ये देखिए, यूएस ने कहा है कि यूएस अंडर फैब्रिकेटेड स्पाई मैनिया, स्पाई मैनिया क्या होता है,
हाँ तो आप बताएं स्पाइमेनिया होता क्या है। ठीक है, तो ये देखिए, रशियन प्रेसिडेंट ने कहा है कि ये फैब्रिकेटेड, ये सारा था डोनाल्ड ट्रंप के जो अपोजिशन के लोग थे उन्होंने ऐसा किया था उनको फंसाने के लिए। ठीक है, ये देखिए एक रिपोर्ट आई है, इसमें ये कहा गया है, ये MSF की रिपोर्ट है और ये इंटरनेशनल NGO है जो कि ये जाना जाता है बेस्ट नोन फॉर इट्स मेडिकल सपोर्ट ऑफ स्ट्राइफ टॉर्न एरियाज। ठीक है ना, तो इसने ये कहा है कि 6,700 रोहिंग्यास का जो है वो उनको मारा गया है, किल्ड किए गए हैं 1 महीने में, 25 अगस्त से लेके और ये सितंबर तक। ठीक है ना, तो उस ड्यूरेशन में 1 महीने में ये 6,700, और इसमें से ये कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो है 730 जो बच्चे हैं जो कि 5 साल से कम के थे उसमें। तो ये देखिए बहुत ही वहाँ पे जो वायलेंस हुआ था, जो क्या नाम उत्पीड़न हुआ था लोगों का, उसकी एक रिपोर्ट है। इसके अलावा शबाब किल्स 18 इन सोमालिया बॉम्बिंग। ठीक है ना, तो सोमालिया शबाब जो है एक इंटरनेशनल वो सॉरी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है सोमालिया बेस्ड। ठीक है ना, तो सोमालिया कहाँ पे है, ये देखिए ये है सोमालिया। ठीक है ना, ये गल्फ ऑफ एडन, ये अरबियन सी, इंडियन ओशियन, और इसकी जो राजधानी है वो मोगादिशु है, तो आप ये याद रख सकते हैं। और इसकी जो कंट्री सराउंडिंग कंट्रीज़ है उसको भी आप याद रख सकते हैं, ये जिबूती है, इथोपिया है, केन्या है। ठीक है ना, केन्या, इथोपिया, जिबूती और ये एरिट्रिया भी शायद इससे लगता है, नहीं, एरिट्रिया नहीं लगता है। ठीक है ना, तो ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, जिबूती, इथोपिया, केन्या और मोगादिशु और ये गल्फ ऑफ एडन, राइट। तो अगली न्यूज़ जो हमारी होगी वो है, देखिए टिलरसन जो है इन्होंने ये कहा है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है US के, इन्होंने ये कहा है कि नॉर्थ कोरिया के साथ इनकी टॉक चल रही है। ठीक है, तो US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रॉक्स टिलरसन आर वंस अगेन एट ऑड्स ओवर हाउ टू डील विथ न्यूक्लियर आर्म्ड नॉर्थ कोरिया आफ्टर टिलरसन डिक्लेयर ऑन ट्यूजडे दैट यूनाइटेड स्टेट वॉज रेडी टू ओपन टॉक विद द नॉर्थ विदाउट प्री कंडीशन। ठीक है ना, कह रहे हैं कि किसी भी मतलब कोई भी शर्त नहीं है, हम बात करने के लिए तैयार है। ठीक है ना, तो कोई प्री कंडीशन नहीं है और हम नॉर्थ कोरिया से बात करने के लिए तैयार है। ठीक है, हाँ, WTO की जो मीटिंग थी देखिए कल ख़त्म हो गई और कोई भी बहुत बड़ा उसमें आउटकम उसका नहीं रहा। ठीक है ना, तो ये कंसेंसस चूंकि नहीं बन पाया इसलिए जो मेन मुद्दा था स्पेशली इंडिया का फूड सिक्योरिटी का रहा, वो भी एक तरीके से सॉल्व नहीं हो पाया। एक बस इसमें मुद्दा था जो फिशरीज से रिलेटेड, उसमें थोड़ा बहुत इन्होंने काम किया है। और देखिए इसमें ये कह रहे हैं कि हाउ एवर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस मैनेज टू साल्वेज ए कमिटमेंट फ्रॉम मेंबर नेशन टू सिक्योर डील बाई 2019 और बैनिंग सर्टेन फॉर्म ऑफ फिशरीज सब्सिडीज। ठीक है ना, तो 2019 ये कह रहे हैं कि जो फिशरीज पे सब्सिडीज दी जाती थी उस पर थोड़ी सी बैनिंग पे काम हुआ, बाकी और किसी उस पर काम नहीं हो पाया, क्योंकि US ने देखिए ब्लॉक कर दिए, जो कि हालांकि 100 से ज़्यादा जो डेवलपिंग कंट्रीज थी, ये इंडिया और चाइना ये सब मिलके ये जो इनका फूड सिक्योरिटी का प्रोग्राम है उसके लिए डिमांड कर रही थी, लेकिन US ने एक वीटो कर दिया। और इस WTO का फार्मूला ये है कि इसमें अगर एक भी कंट्री तैयार नहीं होता है तो फिर ये सारी पूरी की पूरी वो प्रोजेक्ट ही पूरा फेल हो जाता है। ठीक है ना, फिर वो आगे बढ़ ही नहीं पाता, तो यही कह रहे हैं फाइनली इसमें कुछ हो नहीं पाया। और लेकिन जो उनके चीफ है डायरेक्टर जनरल जो है रॉबर्टो अजवेडो, उन्होंने कहा है कि हमने एफर्ट किया, डिस्पाइट आवर बेस्ट एफर्ट वी कुड नॉट मीट द डेडलाइन ऑन परमानेंट सोल्यूशन टू इशू पब्लिक स्टॉक होल्डर ऑफ फूड सिक्योरिटी पर्पज़। ठीक है, तो कह रहे कि इट इज़ नॉट द फर्स्ट डेडलाइन वॉज मिस्ड बट इट इज़ स्टिल इट इज़ स्टिल डिसअपॉइंटिंग। ठीक है ना, ये कह रहे कि ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन फिर भी कह रहे कि वो हम एफर्ट जारी रखेंगे, राइट। और अगली न्यूज़ देखिए, इनकम शेयर जो इनइक्वलिटी है इंडिया में वो काफ़ी बढ़ती जा रही है, तो जो टॉप 1% जो शेयर है वो देखिए वो और भी बढ़ता गया है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये कह रहे कि जो इनकम इनइक्वलिटी इन इंडिया रोज रैपिडली सिंस 1980s टू ए सिचुएशन वेयर द टॉप 10% ऑफ द अर्नर्स अकाउंटेड 56% ऑफ द इनकम वर इन 2014, राइट। तो मतलब जो टॉप 10% लोग हैं, जो रिच लोग हैं, वो 56% जो इनकम है उन्हीं के पास है। ठीक है, इसके अलावा ये है, देखिए 2014 की रिपोर्ट है कि टॉप 1% जो है उनके पास ये कह रहे हैं कि 22% है, जबकि वाइल शेयर ऑफ द टॉप 10% ऑफ द अर्नर वर अराउंड 56%, राइट। इसके अलावा 0.1% ऑफ जो अर्नर है वो उनकी जो है वो बॉटम 50% जो है उनके बराबर, यानी कि 50% आबादी जो हमारी है, जो गरीब आबादी है, उनको अगर
इक्वेलेट किया जाए, उनके पास जितने पैसे हैं उतने पैसे सिर्फ 0.1% जो अपर लेवल की आबादी, जो रिच पर्सन है, उनके पास है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या इनइक्वलिटी की सिचुएशन है, ठीक है। ये और इसके अलावा ये देखिए न्यूज़ है, WPI इन्फ्लेशन फिर से इस बार बढ़ गया है। तो आप इसमें लिखे कमेंट बॉक्स में कि WPI होता क्या है, ठीक है, और ये रिलीज कौन करता है, राइट। तो ये थोड़ा सा बढ़ा है, 3.59 से 3.93 हो गया है इस महीने में, ठीक है। और अगली न्यूज़ स्पोर्ट्स, तो दैट्स इट फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, आगे इस पे कुछ है नहीं।